हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सारे भाई ना, मेरे राम राम। तो मेरे सारे भाई कैसे हैं? आशा करता हूँ सारे भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। जो मेरा शुरू का व्लॉग आया था, उसमें मैंने आपको दिखाई थी कि एक गाड़ी एल्टो 800 जो थी वो राइट साइड से लग के लेफ्ट साइड में पलट गई थी। तो उस गाड़ी को दोबारा से तैयार किया है अरशद भाई ने। उस गाड़ी के वो जो तैयार हुआ है, जो टाइम लगा है, जो प्रक्रिया हुई है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अरशद भाई से मिलवाऊंगा, अरशद भाई से बात करवाऊंगा। तो वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो देखकर एंजॉय करना, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। और मैं फ़िलहाल उसी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो अरशद भाई को बुला लेते हैं। तो भाइयों की, जैसे मैंने आपको बताया था, अरशद भाई अपने साथ जुड़ेंगे। अरशद भाई जुड़ चुके हैं अपने साथ। तो अरशद भाई बताऊंगे इस गाड़ी के बारे में क्या क्या डिटेल है, कितने दिन में तैयार हुई, क्या क्या इसमें हो रहा था, क्या टाइम लगा इसमें, ठीक है? तो अरशद भाई बताओ। भाई साहब, ये गाड़ी इधर से बाइक वाले ने मारी और इधर पलट दी। राइट साइड से लगी गाड़ी, राइट से मारी और लेफ्ट में पलट गई। और ये हमने तैयार करी है पूरी, आपको बाहर से डेव्यू दिखाएंगे इसका। आइए आप बाहर। तो भाइयों, ये इसका बाहर से ओवरव्यू गाड़ी का, जो ये थी मैंने पुरानी वीडियो जैसे कि आपको दिखाई थी, ये लगी हुई थी। ये है नई लगी, जो नई बनी है, दोबारा पेंटिंग हुई है इसमें, रिपेंट हुई है गाड़ी। और नंबर प्लेट मैंने इसने नहीं लगवाई कि कभी कोई भाई जिसकी गाड़ी हो वीडियो देख के माइंड करे, तो इसलिए सब कुछ इसमें नया हुआ है, काम कुछ भी पुराना नहीं है। बस इसकी छत बची है। क्यों सर भाई? छत ओरिजिनल छोड़ दिया है, और जो गाड़ी है बाकी साइड है वाइड है, डिग्गी विग्गी सब पेंट हुई है इसकी गाड़ी की, छत बस ओरिजिनल है, ठीक है ना? तो अरशद भाई से बात करेंगे कि इसमें कितना टाइम लगा, क्या 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 प्रक्रिया है। तो बताओ अरशद भाई। भैया, इसमें 20 दिन लग गए हैं। इसका फ्रंट शीशा भी चेंज हुआ है, और इधर की दोनों खिड़की है, नीचे का राइडिंग बोर्ड, साइड पिलर, इधर की बॉडी चेंज करी है हमने पूरी, इसकी परे की रिपेयरिंग कर दी है पुरानी चीज। और जैसे ही इसमें टक्कर इतनी जबरदस्त थी, गए पूरी गाड़ी पलट दी है, रोड पे घिसरती चली गई करीबन कोई 80 की स्पीड में थी गाड़ी है। और बस कौन सी बाइक से टक्कर हुई थी इसकी? स्प्लेंडर बाइक से टक्कर लगी थी इसकी, बहुत जबरदस्त बाइक से टक्कर राइट साइड में लगी और लेफ्ट साइड में पलट गई गाड़ी। स्पीड थी इसकी भी और उसकी भी सामने वाली की, डिवाइडर पार कर दी। तो जैसे कि बोलते हैं कि पेंट क्वालिटी, और ये ओरिजिनल कोबरा का पेंट डला है इस पर, डू पेंट बिल्कुल नंबर एक का काम हुआ है, कोई बता नहीं सकता इसे, आपके सामने डेवो है इसका। अच्छा। तो जैसे कि डेंट पेंट और सारे काम में इसमें 20 दिन लग गए हैं, डेंट पेंट 20 दिन लग गए हैं सफाई से काम करने के। जी, जैसा था बिल्कुल वैसी की वैसी गाड़ी तैयार हो चुकी है। जैसे ये कलर है, कलर की कितनी प्रक्रिया होती है? कलर की लाइफ टाइम प्रक्रिया है इसकी, कहीं नहीं जाएगा कलर की। नहीं, जैसे ये तैयार हुई पहले तो इसमें खिड़की दूसरी लगी है, ठीक है? तो मतलब पहले क्या होता है कलर होने से, सबसे पहले क्या होता है कलर होने से? पहले इनकी सेटिंग होती है, बॉडी की पूरी लाइन मिलेगी, जो इसकी झीरी है और ये गैप जो है पिलर के है, खिड़की खुलती बनती से करनी, लाइन मिलानी पहले हमें कच्ची, उसके बाद पक्की फिटिंग होती है पेंट के बाद। अच्छा। और उस फिटिंग होने के बाद क्या प्रक्रिया बैठती है? फिर अपना फिटिंग सेटिंग होती है पूरी गाड़ी की, और जो अपना धुलाई हो जाती है, रविंग पॉलिश होती है, चमक निकालते हैं इसकी रंग की, जो गेटअप है बिल्कुल आती है। पेंट की कितनी, पेंट कितने तरीके से होता है, मतलब पहले पेंट होने में सबसे पहले क्या? सबसे पहले सब पुट्टी होगी डेंटिंग के बाद, लाइन मिलने के बाद। अच्छा। उसके बाद अस्तर डलेगा, कोट डलेगा। नहीं, पुट्टी से, पुट्टी किसके लिए डलती है? जो नीचे की इसकी जो घिसाई कर देते हैं ना, इसकी मतलब डेंटिंग करने के बाद घिसाई कर देते हैं, ऊपर नीचे जगह रह जाती है। अच्छा। जो फिनिशिंग आती है इसकी, वैसी आती है पहले पुट्टी होती है, उसके बाद फिर कोट डलता है, फिर मजाई होती है। कोट में क्या होता है? अस्तर होता है, एक कोट, तीन कोट का कलर डलता है। अच्छा। दो बार सादा डलेगा, फिर फाइनल डलेगा तीसरी बार। अच्छा। तो और उसके बाद शाइनिंग भी डलती है इनमें? जी, शाइनिंग अलग से डलती है। अच्छा। तो इसमें आपके 20 दिन लग गए? जी, 20 दिन लग गए, मगर गाड़ी काफी दूर से आई हुई थी वो। अच्छा। तो इसकी छत ओरिजिनल है? छत ओरिजिनल छोड़ दी, इसकी ओरिजिनलिटी ही रहती है छत की, ज्यादातर हम छत पेंट नहीं करते किसी की भी। अच्छा। तो आप भी देख लो गाड़ी अंदर से ऐसी है, ठीक है ना? अंदर से तो ठीक है, पलटी तो बाहर से ही थी। और अरशद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे,
जैसा आपने इसमें पेंट किया है, और पेंट बोलते हैं कि पेंट करने के बाद उसकी पेंट की 6 महीने बाद, साल भर बाद पपड़ी बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं होएगा, आप 6 महीने बाद इसको दोबारा देखना कि ये शाइनिंग रहेगी, धूम में खड़ी करो चाहे छाव में खड़ी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। तो मतलब सबसे टाइमली धुलवाओ, पॉलिश कराओ। बेस्ट क्वालिटी का पेंट कौन सा होता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का है डू पेंट, वही पेंट डालना है। डू पेंट जी। अच्छा, सबसे नंबर वन पेंट आता है डू पेंट आता है। अच्छा, तो भाइयों जैसे कि आपने अरशद भाई से बात की, अरशद भाई ने सारे डाउट क्लियर करे, और अगर आपको भी ये काम, अगर आपके किसी मतलब आपको गाड़ी का कुछ भी काम करवाना है, डेंटिंग पेंटिंग सर्विस वगैरह कुछ भी है, तो हमारे इरफान भाई की शॉप है मनपसंद कार के नाम से, वो जो सिविल लाइन पुल है उसके नीचे है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बस ऐसे ही वीडियो देखते रहो, मजे लेते रहो, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसका आप पिचका दो, कुछ ही कर लो, वो आपकी वो है, बस मुझे सब्सक्राइब कर दो आप, ठीक है ना। तो अब चलते हैं घर पे।